अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एहसन जे आज आपके लिए भिंडी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये बहुत इजी फॉर्म में मैं आपको सिखाऊंगी। एज़ यूजल जैसे मेरे चैनल पे आपको ये रेसिपीज़ मिलती हैं इजी से इजी तरीके से। भिंडी एक बहुत हेल्दी वेजिटेबल है। इसमें जो लेस होता है, जो इसकी अंदर लुब्रिकेशन सी होती है, वो बहुत हेल्दी होती है। तो आप जो हैं इसको जो जिन लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम है वो ज़रूर खाएं, उनके लिए बहुत हेल्दी होती है। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जी नाज़रीन। भिंडी मसाला के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ गए हम आपके सामने हैं। 250 ग्राम भिंडी है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, टमाटर हैं, ये भी 3 मीडियम साइज़ के हैं, लेकिन ये बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए लेकिन बहुत बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ हो। इसके अलावा हाफ कप हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें कोकोनट ऑयल, हेल्दी वर्जन बनाएं तो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें या प्योर घी इस्तेमाल कर लें एज़ योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी। इसके अलावा ज़ीरा है 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून राई जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ जी नाज़रीन। हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया है, इसको हमने मीडियम आंच रखी हुई है और अब हम सबसे पहले प्याज फ्राई करके निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हमें प्याज करनी है जी नाज़रीन। देखें ये प्याज जो है ये इस हद तक हमारी नरम पड़ गई है, तो हम इसकी आंच अब स्लो कर देंगे। पहले हम मीडियम टू लो पे पका रहे थे और अब हमने आंच स्लो करके इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए नाज़रीन, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको अलहदा कर लेंगे इस ऑयल से। नाज़रीन अब हम इसमें राई, हाफ टी स्पून राई और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के और इसको थोड़ा सा, अभी चूल्हा मैंने बंद रखा था, अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ गर्म में डालेंगे तो ये जल जाएंगे। अब ये थोड़ा सा जब पकने लगेंगे, देखें कुकिंग शुरू भी हो गई क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गर्म था। अब हम इसमें ये टमाटर और टमाटरों के साथ ही हम इसमें बाकी अपने मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, वन टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। और अब हम इस टमाटरों को गलाएंगे। तो गलाने का तरीका ये है कि हम इसे ढक्कन लगा देंगे, लिड लगा के छोड़ देंगे 5-7 मिनट में ये टमाटर आराम से गल जाएंगे। तो देखिए नाज़रीन, टमाटरों का पानी खुश्क हो गया और तेल बाहर आने लगा। तो अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह इसमें फोल्ड करके आँच मीडियम टू लो कर लें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके लिड लगा दें, ढक्कन लगा दें ताकि ये भिंडी गल जाए। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया टमाटरों के साथ और मसाले के साथ। अब हम इस पर लिड लगा रहे हैं और तकरीबन 5-7 मिनट दोबारा लगेंगे और तो हमारी भिंडी गल जाएगी। भिंडी आपको पता है बहुत जल्दी गलती है, तो उसे मीडियम टू लो आंच हमने इसकी रखी। लीजिए नाज़रीन, तकरीबन 7 मिनट हो गए, आप भिंडी का कलर भी देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। अब मैं वो जो प्याज हमने तल के निकाल दी थी अब वो शामिल कर देंगे।
और इसे अच्छी तरह इसमें फोल्ड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। प्याज आप पहले भी अक्सर लोग इसको भिंडी मसाला बनाते हुए प्याज को फ्राई करने के बाद उसी में टमाटर वगैरह डाल देते हैं, आप वो तरीका कर लें, लेकिन उसमें प्याज बिल्कुल घुल जाती है। इसमें यह है कि आपकी प्याज जो है वो घुलेगी नहीं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया और अब मैं इसको फिर कैप लगा दूंगी हल्की आँच पे। 5 मिनट आप इसे दम पे रखें और आपका भिंडी मसाला तैयार है। मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार भिंडी मसाला तैयार है। दाल चावल के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, जैसे आप चाहें ऐसे खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और इजी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल और सादी सी रेसिपी है और टेस्टी भी है। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, कोई आपको सवाल पूछना है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको इजी से इजी रेसिपीज़ मिलेंगी, जिन्हें लोग बहुत मुश्किल कहते हैं, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल तरीक़े से बना के दिखाती हूँ। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।